हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट थर्ड का न्यूमेरिकल फर्स्ट। हम लोग सिंपली सपोर्टेड स्लैब पर एक न्यूमेरिकल करते हैं पहले, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, अ हॉल ऑफ क्लियर स्पान 3 मीटर बाय 9 मीटर विथ वॉल थिकनेस 250 mm, द लाइव लोड ऑन स्लैब इज 4 kN/m² एंड फिनिशिंग लोड ऑफ 1 kN/m² डिज़ाइन द स्लैब। आपको स्लैब डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि हमें देखना है कि ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसकी डिज़ाइन स्टेप्स दी थी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी। और दूसरी चीज़, अभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो आपके पास अगर वो हो, अगर आपने नोट्स बनाए हों, तो आप वो स्टेप्स निकाल लीजिए। और इसके लिए आज हमको लगने वाला है साइंटिफिक कैलकुलेटर और IS कोड्स। इज़ दैट क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, मैंने सॉल्व करके रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी और जो भी कैलकुलेशंस है वो मैं आपको कैलसी पे बताते जाऊँगी कि हमने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो सबसे पहले है गीवन डाटा, यानी कि हमारे पास क्या क्या गीवन है क्वेश्चन में से वो हम लिख लेंगे। तो क्लियर स्पान कितना है 3 मीटर बाय 9 मीटर का, वॉल थिकनेस आपको दे रखी है 250 mm, अब लाइव लोड दिया है 4 kN/m², फिनिशिंग लोड दिया है 1 kN/m², और आपको अज्यूम कर लेना है M20 और Fe415, ठीक है। M20 और Fe415, M20 कॉन्क्रीट के लिए, Fe415 स्टील के लिए। आपको ग्रेड्स ले लेना है कॉन्क्रीट और स्टील के। अब सबसे पहली स्टेप आपकी क्या है? तो सबसे पहली स्टेप आपकी है कि आपको पहचानना है कि वन वे स्लैब है या फिर टू वे स्लैब है ना। तो लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का हम रेशियो निकालते हैं, दैट इज़ 9/3, जो कि 3 है और ये 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा है मतलब क्या, कि हमें वन वे स्लैब की तरह इसको डिज़ाइन करना है। अब स्टेप नंबर टू क्या है? डेप्थ ऑफ स्लैब। तो डेप्थ ऑफ स्लैब हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, IS कोड में पेज नंबर 37 पे दिया है, क्लॉज नंबर 23.2.1 हम खोल लेते हैं। उसमें आपको दे रखा है कि डेप्थ ऑफ स्लैब के लिए L/D का रेशियो, दिख रहा है प्रॉपर सभी को? क्लॉज नंबर 23.2.1 यहाँ पर आपको दिया है, बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियोज, यानी स्पान और डेप्थ का रेशियो दिया है। जो स्पान 10 मीटर तक के होंगे उनके लिए, तो कैंटिलीवर अगर होगा तो 7, सिंपली सपोर्टेड होगा तो 20। तो L/D इज इक्वल टू 20 हमें लेना है, और इसके साथ साथ हमको एक मॉडिफिकेशन फैक्टर भी लेना है। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, पेज नंबर 38 पर, देखिए पेज नंबर 38 पर आपको यहाँ पर दे रखा है, दिख रहा है क्या प्रॉपर तरीके से? ये दिख रहा है एक ग्राफ, और ग्राफ के नीचे ये देखिए छोटा सा फॉर्मूला है, FS इज इक्वल टू 0.58 FY, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू रखनी है, तो हमें FS मिलेगा इफ़ FS को हमको यहाँ पर ढूंढना है। ये देखिए लिख रखा है FS इज इक्वल टू 250, 240, 190, 145, 120, तो हमको इसके अकॉर्डिंग एक मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू मतलब क्या, कि ये जो FS है ना, सॉरी FY है, तो ये हमको क्या लेना है? अब जैसे कि हमने ग्रेड ऑफ स्टील लिया है 415, तो मतलब FY आपका कितना हो गया? FY आपका हो गया 415। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.58 × 415, तो आपको कुछ आंसर मिलेगा, ठीक है। और उस आंसर के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ देखना है। ये देखिए मैं बताती हूँ, जैसे मैंने डिज़ाइन स्टेप्स में भी एक्सप्लेन करा था, दिख रहा है प्रॉपर सभी को? FS इज इक्वल टू 0.58 FY, 0.58 × 415, तो FS की वैल्यू हमें 240 मिल गई है। फिर हमको इस ग्राफ में देखना है, ये ग्राफ में हम देखेंगे, तो इस ग्राफ में FS 240, ये लाइन कहाँ पर जा रही है? तो ये लाइन मीट कर रही है, देखिए यहाँ पर 1.2 और 1.6 के बीच में। तो हम क्या मान के चलेंगे कि हमारा जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है वो 1.25, ये हर क्वेश्चन के लिए हमको 1.25 ही लेना है। तो यहाँ से आप D ध्यान में रखिए कि ये जो आपका D है वो क्या हो जाएगा, L/20 × 1.25। ये किसके लिए? तो ये होगा सिंपली सपोर्टेड के लिए, ठीक है। ये किसके लिए होगा? सिंपली सपोर्टेड के लिए। वैसे ही अगर आपको कंटिन्यूस दिया है
तो उसके लिए आपको क्या वैल्यू लेनी है, तो वो यहाँ पे दी है IS कोड में पेज नंबर 37 पर। कितनी दी है ये देखिए, कंटिन्यूस के लिए वैल्यू दी है 26, कैंटिलीवर के लिए दी है 7, है ना। लेकिन मॉडिफिकेशन फैक्टर आप कितना लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ MF कितना लोगे आप, 1.25। ठीक है, कुछ चीज़ें स्पेसिफिक है जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो ध्यान में रख लेंगे तो आपका टाइम बचेगा, पूरा पूरा हर बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि IS कोड के पेज नंबर ध्यान में रखिए कि कौन से पेज नंबर पे क्या है, और ये आपको कैसे याद होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मैं एक एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ, लेकिन इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस रहते हैं आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, और जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी सॉल्व करने के लिए। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। तो डी हमको यहाँ से मिल जाएगा, एल की वैल्यू रख देंगे। अब एल आपको कितना दिया है क्लियर स्पान में, 3 दिया है, 3 मीटर है ना, तो 3 मीटर यानी कितना, 3000। जब हम mm में लेंगे तो 3000 अपॉन 20 इंटू 1.25, तो ये आ जाएगा 120। अब इसको कैलसी पे अगर हमको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए 3000 हमने पुट कर दिया कैलकुलेटर पे, डिवाइड, दो वैल्यूज़ है नीचे, दिख रही है सभी को दो वैल्यूज़, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे और 20 मल्टीप्लाई 1.25 ब्रैकेट क्लोज, तो एक ही बार में दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, आगे आंसर 120। दिख रहा है सभी को प्रॉपरली? तो इस तरीके से फटाफट सॉल्व करना है हमको, एक एक बार में, एक एक बार में सॉल्व नहीं करते बैठना है। ठीक है, तो इसको हमने नियरली इक्वल टू ले लिया, कितना ले लिया, नियरली इक्वल टू 150। ठीक है, तो ये आ गया आपका डी। अब ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ यानी क्या, कैपिटल डी, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, तो ओवरऑल डेप्थ यानी डी प्लस कवर। अब कवर भी हमेशा आप कितना लोगे, 25 mm का लोगे, तो 150 प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू 175 mm आपको कवर मिल गया। ठीक है, तो ये आपकी स्टेप टू यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 देखिए आपकी क्या है, इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान यानी क्या, एल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एल की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो IS 456 2000 में पेज नंबर 34 पर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, है ना। तो IS कोड हम ले लेते हैं, पेज नंबर 34 पे देखिए नीचे दिया है, सबसे नीचे क्लॉस नंबर 22.2 यहाँ पर दिख रहा है सभी को, यस, सिंपली सपोर्टेड बीम्स और स्लैब। तो यहाँ से आपको उसने बोल रखा है, ये वाली लाइन आपको नोट करनी है यहाँ से, क्या, सपोर्ट शैल बी टेकन इज क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ और बीम और सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट, यानी दो पॉइंट्स याद में रखने हैं। दो पॉइंट्स कौन से, पहले तो एल प्लस डी या फिर एल प्लस वॉल थिकनेस, तो आपको दोनों भी चीज़ें गिवन है, है ना। तो ये एल तो आपको 3000 दी है, डेप्थ आपने अभी 150 निकाली, एल 3000 दी है और वॉल थिकनेस आपको क्वेश्चन में दी है 250। दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस किया, ये आंसर आया। दोनों में से आपको क्या लेना है, मिनिमम, जो छोटा आंसर होगा। तो छोटा कौन सा है, 3150, तो आपको इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगी या इफेक्टिव स्पान मिल जाएगा 3150 mm। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो 3.15 meters। ठीक है, स्टेप नंबर 4, लोड कैलकुलेशंस। अब लोड कैलकुलेशंस हम कैसे करते हैं, तो लोड मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सेल्फ वेट यानी कि डेड लोड हम निकालेंगे, तो उसके लिए आपको ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना है, बी इंटू डी इंटू एल अपॉन 25, है ना। तो जिसमें बी और एल आपको कितना लेना है, 1 meter, और डी की वैल्यू पुट करनी है। तो डी आपने अभी निकाला, डी कौन सा है ये देखिए, कैपिटल डी है यानी ओवरऑल डेप्थ। तो ओवरऑल डेप्थ आपने अभी कितनी निकाली थी यहाँ पे, 175 mm, दिख रही है सभी को, 175 mm इधर नीचे है ना। तो 175 mm को आप मीटर में चेंज कर देंगे तो 0.175 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वन, और ये 25 क्या है, तो ये क्या है, बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें कितना मिल गया, 4.375 kN। अब क्योंकि जो लोड एक्ट करता है स्लैब पर, वो पर मीटर के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है ना, तो पर मीटर के अकॉर्डिंग यानी क्या, कि जो आपका लोड निकला है इसको 1 meter से डिवाइड कर दो। तो 1 meter से अगर आप डिवाइड करोगे तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, किलो न्यूटन पर मीटर। इज़ दैट क्लियर?
वैसे ही फिनिशिंग लोड 1 kN/m, लाइव लोड 4 kN/m। फिर तीनों को ऐड कर लेंगे हम, तो तीनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गया 4.375 + 1 + 4, दैट इज़ इक्वल टू 9.375 kN/m। ठीक है, तो ये आ गया आपका टोटल लोड यानी W। अब इसके बाद हमको चाहिए WU यानी डिज़ाइन लोड। तो डिज़ाइन लोड हम कैसे निकालते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके। ये जो 1.5 है ये क्या है आपकी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो 1.5 मल्टीप्लाई 9.375 दैट इज इक्वल टू 14.06। ठीक है, 06 और थर्ड डिजिट जो है वो 5 से कम है तो हम सिर्फ दो डिजिट लेंगे, तो 06 kN/m। अब इसके बाद आपकी स्टेप नंबर 5 आ जाती है बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कैलकुलेशन की। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था जब मैंने डिज़ाइन स्टेप्स बताई थी कि ये जो फार्मूलेज है ये आपको टॉस से निकालने हैं। टॉस में जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें ये फार्मूलेज जनरेट होते हैं दोनों भी, तो ये फार्मूलेज आपको याद रखने हैं दोनों। ठीक है, और ये सिंपली सपोर्टेड के लिए हैं, कंटिन्यूस के लिए फार्मूले अलग हैं, कैंटिलीवर के लिए फार्मूले अलग हैं, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं उसको फिर से बताऊंगी। ठीक है, बाकी सारी प्रोसीजर सेम है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है इन दो चीज़ों में, कंटिन्यूस और कैंटिलीवर में। ठीक है, अगर सिंपली सपोर्टेड आया तो ये फार्मूले, कंटिन्यूस और कैंटिलीवर के लिए अलग फार्मूले। ओके, तो अब MU इज इक्वल टू होता है WU L² / 8, है ना। तो WU हमारे पास है 14.06 मल्टीप्लाई 3.15 / 8। तो आप देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, कैलकुलेटर दिख रहा है सभी को, अभी पूरा कैलकुलेटर दिख रहा है आई गेस, यस क्लियर दिख रहा है। ओके, 14.06 मल्टीप्लाई 3.15, ये यहाँ पर जो बटन है ना एक्स स्क्वायर, इसको दबाएंगे तो इस 3.15 का स्क्वायर मिल जाएगा डायरेक्टली। इक्वल टू दबा दिया तो ये आ गया डिवाइड बाय 8, तो ये हमने डिवाइड कर दिया 8 से, तो आपको आंसर मिल गया 17.438। ठीक है, अब जो थर्ड डिजिट है वो क्या है, 5 से बड़ा है, थर्ड डिजिट 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे सेकेंड डिजिट में 1 प्लस करके लिख देंगे, यानी 17.43 है ना, तो 17.44 लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखिए तो 17.44 kN/m, ये आ गया आपका MU, है ना। अब इसके बाद आपको VU निकालना है, तो VU आप कैसे निकालोगे, WU L / 2। तो 14.06 कैलकुलेटर दिख रहा है सभी को, 14.06 मल्टीप्लाई 3.15 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 22.144, तो 22.14 kN। ठीक है, इसमें फिर से जो थर्ड डिजिट है वो 5 से छोटा है तो हम दो डिजिट तक के ही लेंगे पॉइंट के बाद में, तो ये आ गया आपका मोमेंट और शेयर फोर्स। अब इसके बाद की जो स्टेप है वो क्या है, स्टेप नंबर सिक्स क्या कहती है, लिमिटिंग मोमेंट। अब लिमिटिंग मोमेंट क्या है आपका, तो आपको IS 456-2000 पर पेज नंबर 96 पे एक फार्मूला दिया है, और उस फार्मूले से हमने ये फार्मूला बनाया था Fe415 के लिए। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है और फर्स्ट यूनिट में भी बताया है कि हमने जो पेज नंबर 96 पे फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए ये जो सी वाला फार्मूला है, दिख रहा है क्या सभी को, ये सी वाला फार्मूला, ये वाला मेरी फिंगर है यहाँ पे, ये फार्मूला, इस फार्मूले से हमने क्या किया है, फार्मूला डिराइव किया है Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, Fe250 के लिए और Fe500 के लिए। तो अब हमने Fe415 लिया है तो उसके लिए ये फार्मूला है, तो ये आपको याद रखना है 0.138 FC/BD², ध्यान देंगे बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे मैं बोल रही हूँ याद रखना है मतलब वो याद रखना है, वो आपको IS कोड में नहीं मिलेगा। या तो फिर क्या करिए, IS कोड में पेंसिल से लिख लीजिए बिल्कुल छोटी हैंड राइटिंग में। ठीक है, MU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.138 FC/KE की वैल्यू है 20, B की 1000, D की 150 का स्क्वायर, सभी को एक साथ करना है। ठीक है, कैलकुलेटर पे देख ले एक बार, कैलकुलेटर दिख रहा है सभी को, यस, तो 0.138 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1000
मल्टीप्लाई 150 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर नहीं समझ में आता है तो आप 150 इंटू 150 दो बार लिख सकते हैं, है ना। तो आपके पास ये आंसर आया। अब ये आंसर आने के बाद आप क्या करोगे, ENG दबा दोगे। ये ENG दिख रहा है, ये ENG दबा दोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। एक सेकेंड हम फिर से सॉल्व करते हैं। 0.138 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 150 का स्क्वायर, तो ये आ गया 62.10। शायद कोई टर्म मिस हो गई थी तब। अब ENG दबा देंगे तो ये हो गया 62.10 इंटू 10^6। दिख रहा है सभी को 62.1 इंटू 10^6। तो ये जो आपका आंसर आया ये न्यूटन mm में आया। किस में आया? न्यूटन mm में। तो एक न्यूटन में, एक किलो न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं? 1000। और एक मीटर में कितने mm होते हैं? 1000। तो जब हम इसको 1000 इंटू 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 10^6 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो 10^6 है ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? 62.10 किलो न्यूटन मीटर, इतना ही बचेगा। तो ये आ गया आपका mu लिमिटिंग। आ रही है बात समझ में? ये सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, तो ये आपको बहुत बारीकी से ध्यान देनी है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से ही अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। कहाँ पर mm में है, कहाँ पर न्यूटन में है, कहाँ पर किलो न्यूटन मीटर में है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कन्वर्ट करना है। तो ये सब किससे क्लियर होगा? जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उससे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ईजी लगेगा। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो अब आपका mu निकल गया, सॉरी mu लिमिटिंग निकल गया, और mu तो हमने पहले ही निकाल लिया था। देखिए mu का आंसर हमारा क्या आया था? 17.44 किलो न्यूटन मीटर, और mu लिमिटिंग कितना आया? 62। तो mu बड़ा है या mu लिमिटिंग बड़ा है? देखिए ये इतना है और ये इतना है, कौन सा बड़ा है? mu लिमिटिंग, है ना। तो mu लिमिटिंग बड़ा है mu से, मतलब क्या कि हम इसको डिज़ाइन करेंगे एज द सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन की तरह हम इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। मतलब एक तरफ से ही हमको मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। डबली रेनफोर्स आ गया, मतलब क्या कि उसको हम दोनों तरफ से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्वेश्चन हम आगे करेंगे उस टाइप का, ठीक है। अब स्टेप नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 7 होता है हमारा एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करने का। एरिया ऑफ स्टील हमको फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ स्टील के लिए भी पेज नंबर 96 पे एक फॉर्मूला है, जो मैंने आपको डिज़ाइन स्टेप्स बताई थी तब बताया था। देखिए दिख रहा है क्या ये? mu इज इक्वल्स टू 0.87 fy ASTD 1 माइनस ASTD अपॉन BD fy अपॉन FCK। ये फॉर्मूला दिया है 456/2000 में G11B, मतलब पेज नंबर 96 पे दिया है। लेकिन ये फॉर्मूले से क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है कैलकुलेटर पे सॉल्व करने में, तो इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला जनरेट किया है। ये जब हमने बीम वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे यूनिट 2 में, तब भी मैंने आपको बताया था, अभी फिर से बता रही हूँ कि ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अगर याद नहीं होता है तो पेंसिल से आपके IAS कोड में लिख लीजिए, बिल्कुल बारीक हैंड राइटिंग में, ताकि सिर्फ आपको ही दिखे, किसी को ना दिखे, ठीक है, एग्ज़ाम में, क्योंकि ले जाना होता है। और अगर देख लिया कि आपने पेन से लिखा है तो आपका IAS कोड वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं और दूसरा IAS कोड प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कभी कभी IAS कोड कम होते हैं एग्जामिनेशन रूम में, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हम हमारा IAS कोड ले ले, ठीक है। और या फिर सबसे बेस्ट, आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको सारे फॉर्मूलेज लर्न हो जाए, जो जो भी याद करने के हैं वो, है ना। तो ये फॉर्मूला मैंने जनरेट किया है और ये बहुत इजीली इससे एक ही बार में ASTD की वैल्यू आ जाती है। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है? 0.5 FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu अपॉन FCK BD स्क्वायर B इंटू D ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? रूट के अंदर का सॉल्व करेंगे। अब रूट के अंदर में भी कौन सा? ये वाला सॉल्व करेंगे, 1 को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, 4.6 mu। कैलकुलेटर सबको दिख रहा है क्या पूरा पूरा? हाँ पूरा पूरा दिख रहा है ना। तो 4.6 मल्टीप्लाई mu, mu की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 17.44। सबसे पहले तो आप वैल्यूज पुटअप कर लो, जैसे कि मैंने किए, है ना। वैल्यूज पुटअप करने के बाद फिर ये वाला जो है इतना पोर्शन, ये अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो 4.6 मल्टीप्लाई 17.44 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 6, यहाँ से पावर लेनी है ना, 10 टू दी पावर 6, ध्यान से देखिए मैं जो कर रही हूँ, इक्वल टू का साइन दबाया, डिवाइड का साइन दबाया, ब्रैकेट लिया और ब्रैकेट 20 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 150 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट क्लोज करने का ध्यान रखिए, नहीं तो फिर वो सिंटेक्स एरर बताएगा, है ना। अब इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब ये आंसर किसका आया, इसका आया। अब इसमें से आपको 1 माइनस करना है, मतलब इस पूरी टर्म को आपको 1 में से माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 कर देंगे। तो अब आंसर माइनस में आया, दिख रहा है सभी को, माइनस में आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1 से, क्योंकि क्या होता है कि 1 से हम किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आएगा, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए जो आंसर आया हमारा हम उसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पॉजिटिव हो गया हमारा आंसर, मतलब ये रूट के अंदर का जो था ये हमने सॉल्व कर लिया। अब रूट है तो आप क्या करो, रूट का बटन ये दिख रहा है तो ये रूट का बटन दबा दो, इक्वल टू दबा दो, तो ये आपका आंसर आ गया, मतलब ये रूट के अंदर का हम सॉल्व कर चुके। अब क्या बचा है, माइनस 1 बचा है, तो इस आंसर को माइनस 1 कर दो, फिर से माइनस में आंसर आ गया तो मल्टीप्लाई माइनस 1 कर दो, तो ये आंसर आ गया। मतलब ये वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है, बिग ब्रैकेट, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा सिर्फ, अब ये मल्टीप्लाई वाली डिजिट्स बची, इधर की और इधर की, है ना। तो अपन क्या करेंगे, पहले चारों डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे 415 से। तो देखिए, मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 20 20 नहीं दबाए, ठीक है। जब आप लोग टाइप करते हो कैलकुलेटर पे तो यहाँ पे भी देखना है कि कोई सा डिजिट छूट मिस तो नहीं हुआ है आपसे, है ना। तो 0.5 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 150 ये आ गया, इक्वल टू दबा दिया, डिवाइड बाय कितना करना है आपको, डिवाइड बाय 415 विच इज़ इक्वल टू 337.98। देखिए आ गया आंसर एग्जैक्ट 337.98 mm स्क्वायर। mm स्क्वायर क्यों लिया है हमने, क्योंकि एरिया की बात हो रही है ना, एरिया की यूनिट कभी भी स्क्वायर में होती है। अब स्पेसिंग, स्टेप नंबर 8 क्या है हमारी, स्पेसिंग। तो स्पेसिंग कैसे निकालेंगे, स्पेसिंग होता है एरिया ऑफ 1 बार अपॉन AST इंटू बी। बी की वैल्यू हमेशा आपको 1000 लेनी है। अब ये जो AST है तो ये तो हमने ऊपर निकाल लिया है, लेकिन एरिया ऑफ 1 बार क्या है, तो आपको इसके लिए अज्यूम करना है 12 mm का डायमीटर, बार्स का, जो आप बार्स लोगे तो उसका डायमीटर आपको कितना अज्यूम करना है, 12 mm, ठीक है। आप अपने मन से अज्यूम कर सकते हो 10 mm, 12 mm, 16 mm, तो मैंने 12 mm का बार लिया है, है ना। एरिया ऑफ 1 बार कैसे निकलेगा, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर फॉर्मूला होता है एरिया का, सभी को पता है। किसी भी सर्कल का अगर हम बात करें, इसमें सर्कल का क्यों एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसका जो वो होता है सर्कमफेरेंस, गोल होता है, हमको एरिया निकालना है बार का, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर हम फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो पाई मल्टीप्लाई बाय डी, डी आने क्या आपका, ये जो फाई डाया, डाया कितना लिया है आपने, 12 mm का डाया लिया है, तो 12 का स्क्वायर अपॉन फोर डिवाइड बाय AST यानी 337.98 mm स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 क्या है, बी की वैल्यू है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये अपॉन का 4 है, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, है ना। तो अपन पहले तो पाई कैसे लेना है, देख लीजिए, ये शिफ्ट दबाएंगे और ये EXP का बटन दबाएंगे, तो ये पाई आ गया मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1000। जो ऊपर की चीज़ें हैं पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे, डिवाइड का बटन दबाएंगे, ब्रैकेट लेंगे और 4 मल्टीप्लाई 337.98 ब्रैकेट क्लोज, तो यह आ गया 334.627, ठीक है। तो 334.627 या फिर हम 334.63 भी ले सकते हैं, तो नियरली इक्वल टू हमने ले लिया 335 mm स्पेसिंग, ठीक है, नियरली इक्वल टू, क्योंकि राउंड ऑफ करनी है हमको तो स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। अब इसके बाद स्टेप नंबर
9 जो है आपकी वो क्या है, चेक फॉर स्पेसिंग, जो कि पेज नंबर 47 पे दी है आईएस कोड में, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था डिज़ाइन स्टेप्स के टाइम। तो क्या है, पहले तो आपने जो कैलकुलेट करी है वो वाली, या फिर 0.75D यानी कि इतनी, या फिर 300 mm, है ना। तो आपको एकदम कम भी नहीं लेनी है और 300 mm से ज़्यादा भी नहीं लेनी है। तो हम क्या लेंगे, 300 mm, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हैंड्स वी प्रोवाइड 12 mm फायर बार्स एट 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, 12 mm फायर के बार, 12 mm डाया के बार्स हम प्रोवाइड करेंगे और उसकी स्पेसिंग कितनी देंगे, 300 mm सेंटर टू सेंटर। इज दैट क्लियर। अब स्टेप नंबर 10, अब मेन रिइंफोर्समेंट का तो हमने निकाल लिया, अब जो हमको मिनिमम रिइंफोर्समेंट निकालना है उसका क्या। तो मिनिमम रिइंफोर्समेंट के लिए भी जो क्राइटेरिया दिया है वो आईएस कोड में दिया है पेज नंबर 48 पर, ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था डिज़ाइन स्टेप्स वाले लेक्चर में, ठीक है। तो एरिया ऑफ मिनिमम रिइंफोर्समेंट होता है 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, आईएस कोड में देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी है, 0.12% व्हेन हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, दिख रहा है सभी को, डिफॉर्म बार्स और वेल्डेड वायर फैब्रिक्स आर यूज्ड, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर 12% जब आप हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स यूज़ कर रहे हो। तो अभी हम हाई स्ट्रेंथ वाले ही ले रहे हैं Fe415, तो उसके लिए हम 0.12% ही लेना है हमें, याद रखना। और ग्रॉस एरिया, तो ग्रॉस एरिया मतलब क्या होता है, ग्रॉस एरिया मतलब होता है कैपिटल B×D, मतलब इफेक्टिव डेप्थ ना लेते हुए हमें ओवरऑल डेप्थ लेनी है। तो ओवरऑल डेप्थ हमने कितनी निकाली थी, ओवरऑल डेप्थ हमने निकाली थी 175 mm, ये देखिए कैपिटल डी की वैल्यू हमने निकाली थी, डी प्लस कवर यानी कि 175 mm, है ना। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.12/100% है, तो इसका 100 हो जाएगा, ऑफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया मतलब क्या, B×D यानी 1000×D, तो D कितना है 175, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 0.12×10×175, तो ये आ गया 210 mm², ये आपका आ गया AST। अब इसके बाद आपको निकालना है स्पेसिंग, तो स्पेसिंग कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर जैसे हमने मेजर की निकाली वैसे ही मिनिमम की निकालेंगे, एरिया ऑफ वन बार अपॉन एरिया ऑफ मिनिमम रिइंफोर्समेंट इनटू बी। तो एरिया ऑफ वन बार, अब यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिए 10 mm के बार्स, ठीक है, यहाँ पर जो बार्स हमने लिए हैं वो 10 mm के लिए। तो 10 mm फाइव बार्स के लिए देखिए, π×10^4 यानी 210 × 1000, तो आपका आंसर कितना आ गया, 373.99। इसको राउंड ऑफ करके मैंने 374 लिखा, लेकिन स्पेसिंग का क्राइटेरिया क्या कहता है कि 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, 10 mm फाइव बार्स एट 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये आपकी थी स्टेप नंबर 9 मिनिमम रिइंफोर्समेंट की। अब एक लास्ट स्टेप बची है, शीयर के लिए चेक देना है हमें। तो शीयर के लिए चेक कैसे देते हैं, तो IS 456/2000 में पेज नंबर 72 पे दिया है आपको, टाउवी निकालना है, टाउसी निकालना है, टाउसी मैक्स निकालना है, है ना। तो पेज नंबर 72 पे क्लॉस नंबर 40, नॉमिनल शीयर स्ट्रेस, देखिए यहाँ पर टाउवी इज इक्वल्स टू VU/BD, है ना, ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। तो टाउवी इज इक्वल्स टू VU/BD, अब VU हमने क्या निकाल चुके हैं, तो VU हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये रहा हमारा VU 22.14 किलो न्यूटन, है ना। तो VU अब, लेकिन ये जो था ये किस में था, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन में था शेयर फोर्स। अब यहाँ पर हमको न्यूटन पर mm² में वैल्यू चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 10^3 और BD, तो BD यानी क्या, 1000×150, तो ये आ गया आंसर।
तो टाउ वी कितना आ गया 0. इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया मैंने 0.15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए आपको देखना है पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 पे जो टेबल दिया है ये दिख रहा है सभी को टेबल, ये ऊपर वाला टेबल नंबर 19, यहाँ से हमको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ स्टील और टाउ सी की वैल्यू। तो परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं, एएसटी अपॉन बीडी इनटू 100, ये फॉर्मूला भी वहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अब एएसटी कैसे निकालना है, यहाँ पर हमें एएसटी नहीं पता, बीडी तो पता है लेकिन एएसटी नहीं पता। तो एएसटी के लिए फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, तो स्पेसिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 बार अपॉन एएसटी, जैसे हमने पहले निकाला है स्टेप नंबर 7 में, स्टेप नंबर 10 में, उसी तरीके से। तो यहाँ से ए एस टी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 बार अपॉन स्पेसिंग इंटू बी। तो एरिया ऑफ 1 बार यहाँ पे 12 mm का बार लिया था हमने पहले, तो 12 mm का ही लेंगे स्टेप नंबर 7 के अकॉर्डिंग, है ना। तो 12 mm का बार ले लिया और स्पेसिंग कितनी आई थी 300 mm। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए मैं सॉल्व करके बता देती हूँ, पाई मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 300 ब्रैकेट क्लोज। तो आपको कितना आंसर मिला, 376.99 दिख रहा है प्रॉपरली, 376.99। तो इसको राउंड ऑफ करके हम लिख देंगे 377 mm स्क्वायर, है ना। तो आप वापस से इस फॉर्मूले में डाल देते हैं AST अपॉन BD इंटू 100। तो AST तो आपने निकाल लिया 377 इंटू 100 अपॉन BD यानी 1000 इंटू 150। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये सॉल्व कर लिया मैंने, तो आंसर कितना आ गया 0.25 आया 0.25 कैलकुलेटर पे भी, तो 0.25 आ गया। अब 0.25 के लिए आपको टाउ सी देखना है टेबल में, तो आपने M20 कितना लिया है, सॉरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लिया है आपने M20। तो देखिए 0.25 के लिए M20 वाले कॉलम में वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू है 0.36, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू आपको देखनी है, तो वैल्यू कितनी है 0.36। तो यहाँ पे टाउ सी की वैल्यू हमको मिल गई 0.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। तो कंडीशन हमारी क्या थी, ये पहली कंडीशन थी कि टाउ वी लेस होना चाहिए टाउ सी से, जो कि है देखिए टाउ वी हमारा 0.15 आया और टाउ सी हमारा आया 0.25, मतलब लेस है, हैंस ओके। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि टाउ सी मैक्स जो कि टेबल नंबर 20 पे दिया है, देखिए टेबल नंबर 20 में M20 के लिए कितना दिया है 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है टाउ सी मैक्स न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, है ना, पेज और टेबल नंबर 20। तो दूसरी कंडीशन ये थी हमारी कि टाउ वी लेस होना चाहिए टाउ सी से, लेस होना चाहिए टाउ सी मैक्स अपॉन 2 से। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होती है, यानी हमारा जो स्लैब है वो सेफ है शीयर के लिए। आई बात समझ में, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो टोटल हमारी 11 स्टेप्स थी और हमने बहुत ही ईजी तरीके से करी है उसको, आप भी अगर इसी तरीके से करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप जल्दी से फटाफट सॉल्व कर लेंगे। समझ लीजिए अभी हमको आधा घंटा लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हार्डली आपको 15 to 20 minutes लगेंगे एक क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अभी एग्ज़ाम पास में आ रही है, प्लीज़ बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए, ओके। कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।